and the very dedicated journalists all around. We express great thanks for your contribution towards the freedom of expression and the movement which is being now spearheaded and launched by the, in fact, journalist community in this country. And we are humble contributor and participants with all of our friends. आज का हमारा एक नुमाइंदा इजलास था जिसमें पूरे मुल्क की जो मुंतखब क़यादतें हैं, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन KPK, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी KPK, प्रेजिडेंट पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अफरीदी साहब, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल हारून रशीद साहब, नईम कुरैशी साहब कराची से हमारे कराची, उनका नाम वाइस चेयरमैन सिंध, हैदर इमाम रिजवी साहब, जनाब गुलाम शबीर शाह साहब हमारे मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल सिंध से, एहसन पून साहब से आप वाकिफ़ हैं, अमजद शाह साहब हमारे KPK से फॉर्मर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है, आज़म नजीर तायर साहब, शाह साहब हमें दो कैप्स पहन के हमारे साथ बैठते हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, इधर भी दो टोपियाँ हैं सर पे, वाइस चेयरमैन मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एंड सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। सो ऑल वी असेंबल टुगेदर, हमने डिस्कस किया, कुछ हमारे इंटरनल इश्यूज थे, अपनी बार एसोसिएशंस के मामलात थे, वो हमने बड़े अच्छे और बरादराना अंदाज में उनको डिस्कस किया और कुछ डिसाइड किया। उसमें सबसे पहला तो हमारा ये, हमने तय किया कि पूरा पाकिस्तान जो है वो एक साल के अंदर अंदर तमाम बार एसोसिएशंस जो हैं वो बायोमेट्रिक सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, और ये जो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ वोटिंग है उससे हम एक मॉडर्न स्टेप लेकर चीज़ों को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ चीज़ों को आसान करने के लिए और बेहतर करने के लिए ये हमने एक कंसेंसस से ये फैसला हुआ, और उसमें हमने ये तय किया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हर प्रोविंस में एक एक स्टेशन या एक एक जगह एक एक बार एसोसिएशन हम आइडेंटिफाई करेंगे, या रिस्पेक्टिव बार काउंसिल जो हैं अपने अपने सूबे में वो आइडेंटिफाई करेंगी, और उसके बाद फिर वो स्टेप वाइज एक साल के अंदर ये सारा सिस्टम बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाएगा। लेकिन ये बायोमेट्रिक सिस्टम उस तरह का नहीं होगा जिस तरह पिछले इलेक्शन में आपने देखा, हमारे इलेक्शन में फौरी तौर पर ट्रांसपेरेंट तरीके से रिजल्ट आएगा, 48 आवर्स का सिस्टम डाउन नहीं होगा, ये एक तवज्जो की बात है। सो वी आर इंशाल्लाह ट्राइंग टू बिकम ए रोल मॉडल फॉर द नेशन एंड नेशनल इलेक्शन प्रोसेस, कि किस तरह ट्रांसपेरेंसी से और इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड चॉइस से लोगों को ये राइट देना है को अपनी मर्ज़ी से लोगों को मुंतखब करें। इसके बाद हमने तमाम बार काउंसिल्स जो हैं सूबे की, तमाम बार काउंसिल सूबाई सतह पर हमारे जो प्रोविंशियल बॉडीज़ हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी हैं प्रोविंसेस पे, उनके 14 नवंबर को एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में बार काउंसिल्स के इलेक्शन का इनेकाद होगा, उनकी हमने तारीख का आज ऐलान कर दिया, पाँचों बार काउंसिल्स। और ये इंशाल्लाह बायो ये जो है ये एक ही दिन में तमाम पाकिस्तान में बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हो जाएंगे। दूसरा हमने कंसेंसस और डिलीबरेट किया है, पर्टिकुलरली आर्टिकल 175A के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है वो एक नहायत, यानी मैं समझता हूँ कि डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल की तरफ जा चुका है, और 175A के बाद आने वाली जो तरामीम थी, 19वीं तरामीम की गई, 20वीं तरामीम की गई, और फिर मुनीर हुसैन पट्टी केस एंड वेरियस अदर जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने देकर, तो इनफैक्ट आर्टिकल 175A की जो रूह थी उसको मुकम्मल तौर पर मसख कर दिया है। अब ये जजेस कंसोर्शियम है जो सिर्फ अपने मनपसंद की मर्ज़ी के लोगों को अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर सेल्फ सर्विंग डिसीजंस लेकर अपनी मर्ज़ी के लोगों को सिर्फ जजेस की यानी जजेस के तौर पर तैनात किया जाता है, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल बिल्कुल मुअत्तल कर दिया गया है, मसदूद कर दिया गया है, उनकी राय की कोई अहमियत नहीं रह गई हुई। बार काउंसिल्स को बाय वर्च्यू ऑफ देयर ओन मेजॉरिटी, चूँकि जजेज इसमें मेजॉरिटी में हैं, बाकी एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स और बार एसोसिएशन बार काउंसिल्स के मेंबर माइनॉरिटी में हैं,
तो वो 7-8 जज जो अपनी मर्जी से तय करते हैं, वो अपनी मर्जी को सुपर इम्पोज करके अगेंस्ट द विल ऑफ द बार काउंसिल्स एज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट, वो अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से अपनी मनपसंद के लोगों को जज बनाते हैं, मेरिट को वायलेट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, और जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, रियल स्टेक होल्डर्स द बार एसोसिएशन एंड बार काउंसिल्स एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर द रियल रियल स्टेक होल्डर इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, बिकॉज उन वो अगर इंडिपेंडेंट जज होंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, तो फिर लोगों के राइट्स को फेयरली ऑनेस्टली एडजुडिकेट किया जा सकेगा। अगर जजेस को आप कोई एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस की बुनियाद पर इंडक्ट करेंगे, तो फिर जो पावर्स और जो फोर्सेस उन जजेस को लेके आएंगी, वो फिर अवाम के हकूक को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो फिर उस पावर के हकूक और पावर की जो कंप्लायंस है उसके लिए वो अपने आप को हमेशा तैयार पाएंगे। तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल में हम ये मुआशरा जा रहा है कि जिस मुआशरे में इंसाफ तक रसाई मुमकिन न रहे, वो मुआशरा कायम नहीं रहता। और जनाब अमीर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कुफ्र के साथ तो मुआशरे बाकी रह सकते हैं, जुल्म के साथ मुआशरे बाकी नहीं रह सकते। जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो, वहाँ जुल्म का बोलबाला होता है और जुल्म करने वालों की बालादस्ती होती है, लिहाजा उस मुआशरे को एक मुनसिफाना मुआशरा नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल की और हमारे दोस्त जो पंजाब बार काउंसिल KPK सिंध से और कराची से कुरैश साहब भी तशरीफ़ फरमाए, नहीं कुरैश साहब, हम सारे लोग इस बात पे मुत्तहिद हैं आज कि हमने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ शामिल करके सितंबर के वस्त में इंशाल्लाह एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बाकी नुकात के साथ साथ हमारा बुनियादी मुतालबा और नुकता जजेस की अपॉइंटमेंट के मौजूदा तरीक़ेकार को तब्दील करने के लिए अपनी आवाज़ उठाना और आइंदा की अपने हिकमत अमली का इजहार करना होगा। ये वस्त के सितंबर में हम इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आप दोस्तों की तावन से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट से और अपनी कम्युनिटी की लीडरशिप और रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हमारे दोस्त हैं, एक मुश्तरका हम इजलास करेंगे जो कौमी सतह पर इस कौम की आर्टिकल 175A जजेस जुडिशियल अपॉइंटमेंट के हवाले से अपना एक कौमी नुक्ता नज़र जो है वो फोर्ज करे, उसको डेवलप करे और उसको कौम के सामने हम पेश करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम और बातें, दीगर कवानीन, मसलन जो ऑपरेसिव लॉज हैं, नैब का जो लॉ है उस लॉ की क्या हैसियत है, उसको किस तरह सिलेक्टिवली किस तरह उसको अकाउंटेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके हवाले से बार काउंसिल्स के, बार एसोसिएशन के क्या कंसर्न्स हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस के क्या कंसर्न हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के क्या कंसर्न हैं, जनरल पीपल का उस पर क्या नुक्ता नज़र है, हम उसको भी अपने उस जो सितंबर वाला हमारा APCA ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारा ये भी एक आइटम एज एन एजेंडा शामिल होगी। और FATF के हवाले से अब ये इनको जो यानी आप कह रहे हैं कि जो इस्तेमार है या इस्तेसाली आलमी इस्तेसाली कुव्वतें हैं उनको अपनी मर्ज़ी से ये कानून साजी पर मजबूर कर रही हैं और उसके नतीजे में ये जो अवाम के आइन के दिए गए राइट्स हैं उनको भी फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और हमें कहा जा रहा है ये FATF में ऐसी तब्दीलियां लेके आ रहे हैं कि जो लॉयर्स हैं, जो लीगल काउंसल्स हैं फरीकैन के, वो भी बराह रास्त इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट की जो है वो दें जनाब, देने के पाबंद होंगे टू दी वेरियस स्टेट इंस्टीट्यूशंस। अब दुनिया ने सदियाँ अपनी जद्दोजहद के बाद वो अपने इस प्राइवेसी और प्रिविलेज कम्युनिकेशन के राइट पर पहुंची है। मैं तो पाबंद हूं कानून के मुताबिक अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को किसी दुनिया की चीज़ से शेयर नहीं कर सकता, वो मेरा प्रिविलेज कम्युनिकेशन है और ये हमारे कानून शहादत ऑर्डर का हिस्सा है। अब और आइन के अंदर भी आपको प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है सेल्फ इंक्रीमेशन की वो जो आर्टिकल 13, 14, 11 है, यानी आप मुझसे मेरे बारे में मेरे खिलाफ ही गवाही ले नहीं सकते। ये कानून और आइन जो है मुझे इस बात से तहफ़ुज़ फराहम करता है और ये सदियों के तसलसल और जद्दोजहद के बाद इंसान ने अपने ये कानूनी और आइनी हकूक जो है वो हासिल किए हैं। अब आप ऐसी यानी एक डिसेप्टिव लेजिस्लेशन के जरिए आप
लीगल कम्युनिटी को ये पाबंद नहीं कर सकते कि मैं अपने क्लाइंट के बारे में हासिल करदा मालूमात किसी भी एजेंसी, किसी भी इदारे और किसी भी दीगर शख्स के साथ मैं शेयर करूं। ये मेरे प्रोफेशनल जो कॉन्डक्ट है, जो मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन हैं, जो मेरी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसके ख़िलाफ़ है और आइन और कानून के अंदर जो तहफ़ात मुहैया किए गए हैं ये उनकी वायलेशन है। जो अपने आइन के हक़ के मुताबिक इतलात की रसानी का फरीजा अंजाम देते हैं, उनके साथ जो सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, मीडिया हाउसेस को जिस तरह सब्जुगेट किया जा रहा है, एलानिया और गैर एलानिया सेंसरशिप नाफिज की गई है, और वो यानी फ़कीर से साफ़ी जिनका दुनिया में किसी से लेना देना नहीं, अब बतीउल अजान जैसे लोगों को यानी जिस तरह आपने एक निशान इबरत बनाने की कोशिश की कि उठा के ले जाएंगे, और उसी दिन फिर एक लुत्फ़ की बात यह है आपके इल्म में होगा कि जिस दिन मुतीउल्लाह को उठाया गया तो दो घंटे के बाद एक एजेंसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आ गया कि अफ़गानिस्तान से अगवा बराए तावान की वारदातें करने के लिए ग्रोह इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है नेक्टा का। तो सवाल ये है, ये तो खुशकिस्मती हमारे भाई की और आप लोगों की उस वक्त की बहुत यानी प्रॉम्प्ट रिएक्शन की वजह से, और वो फोटो इमेजेस जो है वो हाथ आ गए, वरना ये बिक चुका होता मतीउल्लाह जान खरकार कैंपों में के इस्तेमाल के लिए कहीं जाके आप और हम ढूंढते रहते। सो सवाल ये है